जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव आपके लेकर आया हूं एक और नई बेहतरीन क्लास। साथियों, इस क्लास में मैं जून मंथ 2023 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा। साथियों, क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो जून का मंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट भी किए होंगे क्योंकि जिससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, ज़्यादा समय को ना व्यतीत करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है साथियों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसकी बात करूँ तो इसमें कह सकते हैं जो हमारा भारत है 2023 में कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 127वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर भारत? 127, जबकि पहले नंबर पर आइसलैंड है और दूसरे पर नॉर्वे है, ये भी याद रखना है। मैं बात करूं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को WEF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और जो कह सकते हैं WEF का जो हेडक्वार्टर है दावोस स्विट्ज़रलैंड में है, और कह सकते हैं ये 17वां संस्करण था इसका। कौन सा संस्करण है? 17वां। नेक्स्ट है साथियों कि 2023 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो 2023 में जो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल की बात करूं तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और कह सकते हैं इसको जीतने के साथ साथ साथियों कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। इनके पास 23 ग्रैंड स्लैम है साथियों, और कह सकते हैं इन्होंने इस फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में कैस्पर रूड को हराया है, और जो कैस्पर रूड हैं वो नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है साथियों। नेक्स्ट है कि महिला एकल की बात करूं तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का जो खिताब है वो इगा स्वियातेक ने जीता है, जो इगा स्वियातेक हैं तो इन्होंने जीत लिया, जो पोलैंड की रहने वाली हैं, पोलैंड की राजधानी वारसा है। नेक्स्ट, इन्होंने हराया किसे है इगा स्वियातेक ने, तो कैरोलिना और जो मुकोवा हैं उनको इन्होंने हराया है, जो चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, कैरोलिना मुकोवा। और साथियों ये भी है कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं ये चार प्रकार की होती हैं, एक वर्ष में चार बार होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन या US ओपन के नाम से जानते हैं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और कह सकते हैं अमेरिकन ओपन। बात करूँ RAW, तो रॉ के जो नए चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करूं तो इसके जो नए चीफ हैं वो रवि सिन्हा बनाए गए हैं, और ये IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, रॉ के नए चीफ हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और 1968 में रॉ की स्थापना हुई थी, भारत की गुप्तचर एजेंसी है साथियों। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य को में बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है बिहार के चंपारण में बनाया जा रहा है साथियों, और 2025 तक इसका लक्ष्य है साथियों बनकर तैयार हो जाएगा, याद रखेंगे। और कह सकते हैं कि जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य भी बिहार है। बिहार के CM जो 8वीं बार CM बने हैं नीतीश कुमार हैं वहाँ के CM। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो कह सकते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 40 नंबर पे है 2023 में, और 2022 में 37 नंबर पे था, इस बार पिछड़ गया साथियों 3 स्थान। तो इस बार कौन से नंबर? 40 पे, जबकि 2022 में 37 नंबर पे था। और जारी करता कौन है? तो यह जो रैंक है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और कह सकते हैं इसमें जो पहला स्थान है वो डेनमार्क का है, दूसरा स्थान आयरलैंड का है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है साथियों। नेक्स्ट है, और मैं बात करूं कि जो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो मैं बात करूं जो कोंकणी जो भाषा है, कोंकणी भाषा में इनको दामोदर माउजे को दिया गया है 57 नंबर का, और जबकि 56 नंबर की बात करूँ तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फुकन को मिला था। नीलमणि फुकन, जो नीलमणि फुकन हैं इन्हें असमिया के लिए मिला था, असमिया के लिए, ये भी याद रखना है। और कह सकते हैं कि नीलमणि फुकन को 56 नंबर का असमिया के लिए, जबकि दामोदर माउजे को 57 नंबर का मिला है। और कोंकणी भाषा, कोंकणी गोवा में बोली जाती है साथियों।
मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएँ और प्लस एक अंग्रेजी, जो 2018 से दिया गया है, 2018 से अंग्रेजी में दिया जाने लगा है। कब से? 2018 से। और 2018 में पहली बार अंग्रेजी में दिया गया तो अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट है कि 23 भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में, और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। पहली बार 1965 में, साथियों 1965 में कह सकते हैं जी शंकर कुरूप को दिया गया था, और इन्हें जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति हो गए। 1965 में दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख धनराशि होती है साथियों। और कह सकते हैं कि इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कि हाँ कि सबसे पहले जो जी शंकर कुरूप हैं, इन्हें मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है, मलयालम भाषा के लिए इन्हें उनकी कृति आडा कुजाई के लिए दिया गया था। साथ ये भी याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो कह सकते हैं कि जो वियना है ये पहले नंबर पे है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है, पहले भी रह चुका है लास्ट साल भी, और कोपेनहेगन दूसरे नंबर पे है जो डेनमार्क की राजधानी है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना पहले नंबर पे है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है साथी, यूरो मुद्रा चलती है, यूरोप के 20 देशों में यूरो मुद्रा चलती है, और जो 20वां देश है वो क्रोएशिया हो जाएगा यूरो को अपनाने वाला, ये भी याद रखना है साथी। क्रोएशिया जिसकी राजधानी जगरेब है। इस कह सकते ऐसे जारी करता जो संस्था है EIU है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसने इसको जारी किया है। नेक्स्ट बात करूँ AI सुपर कंप्यूटर एरावत किस शहर में स्थापित किया गया, तो एरावत जो AI सुपर कंप्यूटर है ये भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, और कह सकते हैं इसे जो डेवलप किया है वो CDEC पुणे ने डेवलप किया है। सेंटर फॉर कह सकते हैं डेवलपिंग एंड एडवांस कंप्यूटिंग कहते हैं जो पुणे में है CDEC, और कह सकते हैं भारत में परम श्रेणी के कंप्यूटर CDEC पुणे ही बनाती है, जबकि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी है ये एरावत, और पुणे में स्थापित किया गया। साथियों विश्व का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर, जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है जो कह सकते हैं अमेरिका का है, जबकि दूसरे नंबर पर पूछा जाए फुगाकू है जो जापान का है, फुगाकू जापान। असम का जो पुराना नाम है वो कह सकते हैं कामरूप था, प्राग ज्योतिषपुर भी कहते थे असम को, और कुछ जैसे और कंप्यूटर जैसे परम कामरूप कंप्यूटर है ये IIT गुवाहाटी ने तैयार किया, परम कामरूप को IIT गुवाहाटी। परम शक्ति की बात करूँ तो IIT खड़गपुर ने किया है परम शक्ति। परम गंगा की बात करूँ तो IIT रुड़की के द्वारा परम गंगा IIT रुड़की, जबकि परम पोरुल की बात करूँ तो परम पोरुल जो NIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा किया गया है, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली। परम प्रवेगा की बात करूँ तो जो परम प्रवेगा है ये IISC बंगलुरु के द्वारा जारी किया गया, IISC बंगलुरु के द्वारा, याद रखना है साथियों। नेक्स्ट है किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का खिताब जीत लिया है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप है इसका आयोजन भारत के जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है साथियों, और इसको भारत ने जीत लिया है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, और इसको उपजेता जो है वो लेबनान है, लेबनान की राजधानी बेरूत। नेक्स्ट साथियों मैं बात करूँ जो चौथे नंबर का राष्ट्रीय जल अवार्ड है, तो 2022 का इसका जो खिताब किस राज्य को दिया गया है, तो लास्ट साल उत्तर प्रदेश को मिला था, जबकि 2022 का जो इस वर्ष दिया गया चौथे नंबर का राष्ट्रीय जल अवार्ड वो मध्य प्रदेश को दिया गया है साथियों। इसमें राष्ट्रीय जल अवार्ड में जो बेस्ट जिला है वो गंजाम है साथियों, गंजाम उड़ीसा का जिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ पंचायत पूछी जाए राष्ट्रीय जल अवार्ड में तो जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो जगन्नाथापुरम पंचायत है जो तेलंगाना की, जगन्नाथापुरम पंचायत। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, और पिछली बार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था राष्ट्रीय जल अवार्ड पुरस्कार में। नेक्स्ट है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया है, तो कह सकते हैं गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गीता प्रेस कहाँ पर है, तो गीता प्रेस जो है ये गोरखपुर में है साथियों, कहाँ पर है, गोरखपुर में। जबकि मैं बात करूँ कि जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी धनराशि क्या है, 1 करोड़ धनराशि है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इसे दिया जाता है, 1995 से दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट है
चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के में किया गया, तो किस देश के द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया, तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। यह अरब सागर में आया था साथियों, और इसने भारत में गुजरात तथा पाकिस्तान को प्रभावित किया है। जबकि मैं बात करूँ सितरंग है, सितरंग, और सितरंग का नामकरण थाईलैंड ने किया है। मंडोस का नामकरण यूएई के द्वारा किया गया है। सितरंग थाईलैंड और मंडोस जो है चक्रवात, ये यूएई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने इवॉल्व मिशन लॉन्च किया है? तो इवॉल्व जो मिशन है ये सिडबी ने नीति आयोग के साथ मिलकर किया है। सिडबी ने नीति आयोग के साथ मिलकर किया। बात करूँ इवॉल्व मिशन की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम कहते हैं साथियों। और नीति आयोग जो है इसके बारे में पता होगा कि योजना के स्थान पर है, एक जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आता है साथियों। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है साथी। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब क्या कौन सा है, तो रियल मैड्रिड जो है ये कह सकते हैं सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली जो पहली महिला एनसीसी कैडेट हैं वो शालिनी सिंह हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वो शालिनी सिंह हो जाएंगी साथियों। एनसीसी जो है ये 1948 में स्थापना होती है इसकी। एनसीसी जो है इसका अध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। जबकि मैं बात करूँ किस देश की कंपनी अल्टसॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो फ्रांस की कंपनी है अल्टसॉम जो भारत के लिए 200 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस को सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, और एफिल टावर जो है वो भी पेरिस में है साथियों। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट जो है, यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हट गया है? तो कह सकते हैं जो यूएसए का नेतृत्व वाला समुद्री गठबंधन था उससे यूएई हट चुका है साथियों। यूनाइटेड अरब एमिरात्स कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात इससे हट गया है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट है, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कह सकते हैं नेपाल के साथ। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए हैं, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर मुद्रा रुपया चलती है साथियों। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल में मैं बात करूँ कि जो प्रेसिडेंट हैं, नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद पौंडेल नेपाल के पौंडेल हो जाएंगे पौंडेल। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो राम सहाय यादव हैं, वो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूँ तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री नेपाल के वो हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, याद रखना साथियों। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? कह सकते हैं कि रामचंद्र पौंडेल। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीत लिया है? तो जूनियर पुरुष एशिया हॉकी का खिताब जो है ये भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इसमें उपजेता पाकिस्तान रहा है, और यह इसका जो आयोजन है वो ओमान में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ओमान की राजधानी मस्कट है साथियों। ओमान में किया गया जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो हो जाएगा कि भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए जो बैकासी विशाखम त्यौहार है कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया साथियों। बैकासी विशाखम त्यौहार मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो तमिलनाडु की पहली महिला मुथमिज सेल्वी बन गई हैं। मुथमिज सेल्वी जो हैं तमिलनाडु की पहली महिला हैं। नेक्स्ट है, एवरेस्ट की बात करूँ तो जो एवरेस्ट जो दिवस है वो 29 मई को बनाते हैं। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई 1953 में शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा 29 मई को की गई थी साथियों। और कह सकते हैं कि एवरेस्ट पर पहली महिला विश्व की पूछी जाएँ तो फर्स्ट वुमेन जो विश्व की हैं वो जुंको तुबई हैं वो जापान की हैं। ये कह सकते हैं 1975 में गई थी। जबकि भारत की पहली महिला कह सकते हैं वो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। जो बछेंद्री पाल हैं
ये कह सकते हैं उत्तराखंड से हैं, ये 1984 में गई थी साथियों। तो भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल और विश्व की जुंको दुबई जापान 1975। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, 8848.86 मीटर कहेंगे साथियों, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं वो सेलेस्टे पाउलो बन गई हैं। कौन बन गई हैं? सेलेस्टे पाउलो। जो सेलेस्टे पाउलो हैं ये कह सकते हैं कि इसकी बात करूँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की, तो ये 1950 में स्थापना हुई थी। 193 इसके मेंबर हैं साथियों। कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। बर्ड मेट्रोलॉजिकल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो है मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, जो उन्होंने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद में किया है। कहाँ पर किया है? गाजियाबाद में, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो बिजली निर्यात हेतु हमारे देश ने नेपाल के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा नाटो का हाल ही में आर्कटिक सैन्य अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो आर्कटिक सैन्य अभियान है नाटो का वो फिनलैंड में हुआ है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी साथियों। इसका हेडक्वार्टर जो है कह सकते हैं नाटो का ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। नाटो में कह सकते हैं 31 देश हो गए हैं। जो 31वां देश हो जाएगा नाटो का वो फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाटो में 31वां जो देश है वो फिनलैंड हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे 31 देश हो गए नाटो। नेक्स्ट है 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो आयोजन है वो UAE में किया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जबकि मैं बात करूँ कि जो IUCN है इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके नाम से जानते हैं। जो IUCN है इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। जबकि इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लेंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है वहाँ पर है इसका मुख्यालय, याद रखना। ये रेड डाटा बुक जारी करता है, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है मैं बात करूँ कि चीन के विरोध के बीच USA और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ताइवान ने कह सकते हैं ताइवान के साथ अमेरिका ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो श्रीनगर में स्थापित किया गया है। श्रीनगर को सम्राट अशोक, जो मौर्य सम्राट थे, अशोक ने बसाया है और अशोक जो हैं ने इसको श्रीनगर को झेलम नदी किनारे बसाया था। नेक्स्ट है 5 जून को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूँ तो इसका जो विषय था वो है कह सकते हैं, हाँ साथियों इसका जो विषय है वो अभी याद नहीं आ रहा साथियों, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है कह सकते हैं कि हाँ कि इसमें पहले नंबर पर कौन सा पर्यावरण में, तो पहला राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना हो जाएगा। लेकिन बात करूँ UNEP की जो स्थापना है वो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कह सकते हैं 1974 में पहली बार मनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है साथियों। तो UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट बात करूँ भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला जो कार्बन मुक्त गांव है वो महाराष्ट्र के भिवंडी में विकसित किया जा रहा है। और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में जो CM है वो एकनाथ शिंदे हैं। जबकि वहाँ के CM कौन हैं? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बात करूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 में जो अध्यक्ष हैं वो कौन बन गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें अध्यक्ष हैं उनकी मैं बात करूं कह सकते हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं वो त्रिनिदाद एवं टोबेगो के रहने वाले हैं
और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, यूएनजीए की बात करूं तो इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये यूएनओ का अंग है साथियों। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और इसे कह सकते हैं विश्व की लघु संसद के नाम से, महासभा को क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं साथियों, जबकि विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीत लिया साथी। किसने, अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया साथियों, याद रखना है। और इसका जो आयोजन है ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन कोरिया गणराज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोरिया रिपब्लिक या कोरिया गणराज्य में हुआ था साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वह, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हिमाचल प्रदेश ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ कह सकते समझौता कर लिया है। नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के जो CM हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और रवि प्रताप शुक्ला वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट बात शिव प्रताप शुक्ला कहेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ कि WMO के जो नए अध्यक्ष हैं वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करूँ तो अब्दुल्ला मंडोस जो हैं ये WMO के नए अध्यक्ष बन गए हैं साथियों, याद रखना है। और अब्दुल्ला मंडोस जो हैं अब्दुल्ला अल मंडोस के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये UAE के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, UAE के रहने वाले हैं। और WMO जो है इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। WMO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, किस देश के द्वारा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कह सकते हैं सूरीनाम के द्वारा, जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है उसके द्वारा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कह सकते हैं सम्मानित किया गया है। और कैसे सूरीनाम की जो राजधानी है वो पारामारिबो है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो पारामारिबो हो जाएगी। पारामारिबो ये सूरीनाम की राजधानी है, पारामारिबो याद रखना है। और कह सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है सूरीनाम उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर, कह सकते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। चेन ऑफ द येलो स्टार साथियों, अभी है आगे क्वेश्चन, हमने डिस्कस में इसको कर ली भी लिया है डिटेल से, याद रखना। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएंगे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट में बात करूँ, सिद्धार्थ चौधरी ने ACI Under-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो सिद्धार्थ चौधरी ने ACI Under-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। कौन सा जीता, स्वर्ण पदक जीता है। और कह सकते हैं कि जो मैं बात करूं डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। बर्लिन स्प्री नदी किनारे पर बसा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन पहले नंबर पर है। बात करूँ भारत क्रूड स्टील का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक भारत दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का चीन हो जाएगा साथी। कौन हो जाएगा, पहले नंबर पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो केरला जो है ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है, तो भारत फ्रांस और UAE ने पहली बार कह सकते हैं कि पार्टनरशिप मैरीटाइम एक्सरसाइज को किया है साथी, या समुद्र संयुक्त समुद्री अभ्यास को शुरू किया है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कितने वर्ष बाद भारत में किया जाएगा, तो 27 वर्ष बाद कह सकते हैं मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी साथी, कौन थी, रीता फारिया भारत की पहली महिला या पहली मिस वर्ल्ड थी भारत की, रीता फारिया। नेक्स्ट है
कि कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इसराइल के द्वारा जारी किया जाएगा। इसराइल जो है इसकी राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं, यहाँ पर जो मुद्रा है वो न्यू सेकेल चलती है, और कह सकते हैं इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो फसल बीमा योजना प्रीमियम में 100% सब्सिडी का जो विस्तार है वो मेघालय ने किया। किसने किया है? मेघालय ने किया है। विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ पर खोली गई है? तो विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक जो पवन सुरंग है या विंड जो टर्मिनल कहेंगे या पवन सुरंग या विंड टर्मिनल तो कह सकते हैं ये चीन में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? चीन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कॉस्ट एंड लिविंग मतलब महंगा शहर रहने के लिए, तो के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हमारा भारत सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान पर है। अगला पॉइंट है, किस देश में निप्रो नदी पर काखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन में निप्रो नदी पर काखोवका बांध टूट गया है। साथियों याद रखना, निप्रो नदी किस देश में बहती है? तो यूक्रेन में बहती, ऐसे भी आ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की हैं साथियों, यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी। नेक्स्ट है कि रेबनिया मुद्रा चलती है वहाँ पर, या हेरेबनिया भी कह सकते हैं। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। अगला पॉइंट है, किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फैन जेडोंग जो हैं इन्होंने ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। साथियों नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कह सकते जीता है, और यह खिताब कह सकते हैं लंदन के ओवल में हुआ था। साथी ये भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, केंद्रीय सतर्कता एक्ट कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साथियों। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करूँ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बना दिया गया है, और CVC की जो स्थापना 1964 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 2021 के कोविड वर्ष के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को यूएन आयोग के स्थान पर आता है। और कह सकते हैं कोविड वर्ष के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है बड़े राज्यों में केरला ने किया है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन बिहार के द्वारा किया गया। सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का, सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है, और यूटी में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो लक्षद्वीप ने किया है यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट है, 2024-27 के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो WHO के जो बाहरी लेखा परीक्षक हैं वो कह सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत में 14वें नंबर के कह सकते हैं कैग भी हैं। नेक्स्ट है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साथियों, और जिसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानम हैं। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानम हैं। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करूँ 2023 में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो IIT मद्रास ने टॉप किया। दूसरे नंबर पर IISc बंगलुरु हो जाएगा, जारीकर्ता शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन सेटेलाइट NVS फर्स्ट लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साथियों, स्टार लगा लेना। NVS फर्स्ट जो लॉन्च एक सेटेलाइट है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों, इसको नेविगेशन सेटेलाइट कहेंगे। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। इसे GSLV-F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो व्हीकल है वो GSLV-F12 है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं NVS-1, ये नेविगेशन सेटेलाइट है। नेक्स्ट बात करूँ,
तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो तैयब जो एर्दोगन है ये तुर्कीये के राष्ट्रपति बन गए हैं। तुर्कीये की राजधानी अंकारा है, तुर्कीये में मुद्रा लीरा चलती है। नेक्स्ट है एक्सपो सेट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जो एक्सपो सेट है ये इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है। एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट कहते हैं साथियों, एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट के नाम से जानते हैं एक्सपो सेट को। और इसरो की बात करूँ, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बंगलुरु में है। इसरो अपने जो उपग्रह हैं उनको कह सकते हैं कि सी हरिकोटा द्वीप से भेजता, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में वहाँ से भेजता है बड़े उपग्रहों को। और इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है साथियों। इसरो के वर्तमान में 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एमएस रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो एमएस जो रामचंद्र राव हैं इन्होंने कह सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कह सकते हैं शपथ ली है। और मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और कह सकते हैं जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 214-231 थे के साथ ही 214-231 तक हाई कोर्ट का प्रावधान है। यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं राज्य के राज्यपाल हैं। कांग्रेस की सरकार है साथी वहाँ पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। और मैं बात करूँ वर्तमान में हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां जो हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट हो जाएगा। जो अमरावती हाई कोर्ट है ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है साथियों। और मैं बात करूँ कि सबसे पहले हाई कोर्ट तो 1862 के कैसे लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में 3 हाई कोर्ट बने थे। और मैं कह सकते हैं कोलकाता बॉम्बे मद्रास भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट हो जाएगा, ये भी याद रखना है। और कोलकाता बॉम्बे और मद्रास ये भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बने थे 1861 के दिन के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है हाल ही में कितने देशों को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो इसकी फुलफॉर्म इसको हम विश्व का कैसे पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, तो 10 अस्थायी हो जाएंगे जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जिसे FRACE के नाम से जानते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में फ्रांस रूस अमेरिका चीन इंग्लैंड FRACE कहते हैं, फ्रांस रूस अमेरिका चीन इंग्लैंड साथियों स्थायी सदस्य हैं, जबकि इन्हें ही वीटो पावर वाला देश कहते हैं। जबकि 10 जो अस्थायी सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कह सकते हैं अभी 5 देशों को अस्थायी सदस्य चुना गया है यूएनएससी का, जिनमें अल्जीरिया हो जाएगा, गुआना हो जाएगा, कोरिया गणराज्य हो जाएगा, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया, ये 5 देशों को यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है जीएसआई के नए महानिदेशक की बात करूँ तो जनार्दन जो प्रसाद हैं वो कह सकते हैं जीएसआई के नए कह सकते हैं महानिदेशक बन गए हैं। स्थापना जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1851 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। कौन है? तो जनार्दन प्रसाद जो हैं जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखना है। 1851 में स्थापना, हेडक्वार्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोलकाता में है। मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिस्टी पहल मैंग्रोव वनों से संबंधित है, जैसे मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कह सकते हैं मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम के नाम से जानते। तो इसकी फुलफॉर्म हो जाएगी MISSTI। इसका मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम हो जाएगा मिस्टी पहल। मैंग्रोव की बात करूँ तो मैंग्रोव जो वन है भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा वहाँ पे हैं। उसके बाद गुजरात के कच्छ के रण में हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार में हैं साथ ही, ये भी याद रखें मैंग्रोव वन। जब कैसे नदी का मीठा जल समुद्र के खारे जल से जिस जगह पर मिलता है तो वहाँ पर उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने देखो ये क्वेश्चन बताया था आपको, UNGA के 78वें जो अध्यक्ष हैं वो कह सकते हैं अध्यक्ष की बात कर रहा था मैं, तो अब्दुल्ला अल मंडोस बनाए गए साथियों, याद है अब्दुल्ला अल मंडोस। और कह सकते हैं कि
और इसमें जो इमेज ये है इसका कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 1945 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि WMO की पहली महिला महासचिव की बात करूं तो पहली महिला जो महासचिव हैं वो सेलेस्टे पाउलो हैं। कौन है सेलेस्टे पाउलो? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और 1950 जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 21 जून को किस विषय के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं, विश्व योग दिवस भी मनाते हैं। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, याद रखना साथियों योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम के साथ में 21 जून को 2023 में विश्व योग दिवस मनाया गया है और पहली बार 2015 में नई दिल्ली मनाया गया था। इस बार 9वें नंबर का है साथियों और योग दर्शन के पतंजलि कह सकते हैं, इसके प्रवर्तक भी हैं योग दर्शन के पतंजलि। भारत के सहयोग से 2015 में योग को भारत यूनियन का दर्जा दिया गया साथियों। भारत का सर्वाधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र कौन से घोषित किया गया है? तो सर्वाधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र वो उधमपुर डोडा हो जाएगा। जो उधमपुर डोडा है वो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं साथियों, श्रीनगर राजधानी है और कह सकते हैं जम्मू शीतकालीन राजधानी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब उरुग्वे ने इटली को हराकर जीत लिया है। उरुग्वे ने इटली को हराकर जीता है और इसका जो आयोजन है वो अर्जेंटीना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अर्जेंटीना में किया गया है। 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब उरुग्वे ने इटली को हराकर जीता, आयोजन अर्जेंटीना। नेक्स्ट उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेवीडियो है। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। पूछा जाता है उरुग्वे मोंटेवीडियो। अभ्यास एक्वेरियन 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये मालदीव के बीच होता है एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। ये चौबतिया जो उत्तराखंड में स्थान वहाँ पर हुआ है और इसकी राजधानी कह सकते हैं माले है और मुद्रा रुपया चलती है और मजलिस संसद हो जाएगी। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया, संसद मजलिस और ये एक्वेरियन युद्धाभ्यास चौबतिया उत्तराखंड में भारत मालदीव के बीच में हुआ है। सागर समृद्धि पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं सागर समृद्धि पहल को शुरू किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण अभी बताया था हमने, चीन ने किया है साथियों, JF-22 नाम से। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है, क्लासिकल डांस है। तो कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो KK गोपाल कृष्णन के द्वारा कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो AI चैटबॉट जो जुगलबंदी है इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर जो ये पुस्तक है ये AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है साथियों, AK भट्टाचार्य के द्वारा। अगला पॉइंट है अमेरिकी चिप निर्माता जो माइक्रोन है किस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा $2.7 बिलियन में साथियों। गुजरात में समुद्र कह सकते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी के द्वारा, याद रखना $2.7 बिलियन में। भारत के अलावा योग का उपयोग करके अपना प्रचार करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो भारत के अलावा योग का उपयोग करके अपना प्रचार करने वाला जो दूसरा देश है वो ओमान बन जाएगा। भारत के अलावा की पहला देश तो ओमान, और ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी जबकि भारत पहला देश था। प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य गोपी को प्रथम पुरस्कार जयशंकर पुरस्कार सम्मानित किया गया, आचार्य गोपी। और कह सकते हैं तेलंगाना आंदोलन के पिता भी कहे जाते हैं आचार्य प्रोफेसर जयशंकर। नेक्स्ट है हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस एधानम को किया गया है जो WHO के महानिदेशक हैं। 7 अप्रैल 1948 की बात करूँ स्थापना हुई थी साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेटरी ओर्पो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो पेटरी ओर्पो जो हैं ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड कह सकते हैं नाटो का 71वां सदस्य भी है। और 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूरोपीय निबंध पुरस्कार से अरंति राय को सम्मानित किया गया, 45 नंबर का है। इनकी पुस्तक आज़ादी के लिए इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय निबंध पुरस्कार कह सकते हैं 45 नंबर का अरंति राय को आज़ादी की पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
और ये ब्रिटिश अमेरिकन हैं। कौन? सलमान रुश्दी ब्रिटिश अमेरिकन हैं। अगला है, भारत ने किस देश की मिसाइल कार्बेट INS कृपान का को उपहार में दिया है, INS कृपान उपहार में दे दी है, तो ये भी याद रखना है। INS कृपान जो है भारत ने, कह सकते हैं कि भारत ने INS कृपान जो है ये वियतनाम को दिया है। ये किसे दिया है? ये वियतनाम को दिया है, और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई हो जाएगी, मुद्रा डांग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें 2023 इंडोनेशिया ओपन में, 2023 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन के द्वारा 2023 इंडोनेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीत लिया गया है। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क की राजधानी रहने वाले हैं साथियों। और पुरुष डबल्स की बात करो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडोनेशिया मास्टर पुरुष डबल्स का खिताब, ये दो भारतीयों ने, जिनमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला है, किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर कह सकते हैं सुधार गृह कर दिया है। ए लाइफ वेल स्पेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सतीश चंद की पुस्तक है ए लाइफ वेल स्पेंट, याद रखना है। नेक्स्ट है, मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट जो पुस्तक है, अरविंदर सिंह की पुस्तक है, याद रखना, अरविंदर सिंह की पुस्तक है। और हाल ही में किस राज्य में रज पर्व कृषि महोत्सव मनाया गया? तो रज पर्व जो है ये उड़ीसा में कह सकते हैं धरती माता का कह सकते हैं कि गर्भ चक्र बोलते हैं, और कह सकते हैं रज पर्व उड़ीसा, और उड़ीसा में जो नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं, गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखना है। उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम बन चुका है। भारत और किस देश के MQ-9 ट्रिपर ड्रोन खरीदेगा? भारत किस देश से MQ-9 ट्रिपर विमान खरीदेगा? तो USA से खरीदेगा। पालखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय के द्वारा मनाया गया पालखी उत्सव 2023 में, महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में कौन सा संदेश शीर्ष पर रहा? वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में उत्तर कोरिया पहले नंबर पर है, सबसे कम स्विट्जरलैंड है, और सबसे शांत हो जाएगा। मैं बात करूँ जारीकर्ता जो है इसका, वो बर्ड हॉर्स फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, बर्ड हेयर फाउंडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भारतीय बाल अधिकार अधिवक्ता हैं साथियों, ललिता नटराजन। किस कंपनी ने एब्सोर्ब इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो स्मृति मंधाना को एब्सोर्ब इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? तो WHO पुरस्कार जो है बहन क्लाइमेट चेंज टर्न्स एवोलेंट के लिए जीता गया है। किस राज्य ने कह सकते हैं Sci-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो गोवा ने की है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होने हैं, और जिसका जो मैस्कॉट वो मोगा है। गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं, गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ? गोवा में होंगे। USA और किसने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की अटलांटिक घोषणा बनाई? तो आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए UK ने कह सकते हैं कि सर्वाधिक घोषणा बनाई। UK मतलब यहाँ इंग्लैंड से साथी, यहाँ उत्तराखंड से नहीं। नेक्स्ट है, पहले भारत और फ्रांस और UAE के बीच मेरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो ओमान की खाड़ी में हुई है, राजधानी मस्कट है। यूनेस्को ने माइकल बैप्टिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगदीश बाकन को माइकल बैप्टिस अवार्ड सम्मानित किया जाए, जगदीश बाकन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शक्ति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए शक्ति योजना को शुरू किया है। पंजाब में महिलाओं के लिए बसों में हाफ किराया है, जबकि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री किराया है। नेक्स्ट है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-P का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में महिलर द्वीप, वहाँ लॉन्च किया गया है, और इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट है, बात करूं मैं कि किस राज्य ने शक्ति योजना शुरू की, तो कह सकते हैं कि कर्नाटक ने की है और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह सकते हैं कि नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल हमने आपको बताई अग्निपी, तो ये भी याद रखना है DRDO के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं, तो इसके जो लेखक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक जो हैं शांतनु गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शांतनु गुप्ता हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं, तो अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक हैं वो कह सकते हैं जापान ने जीते हैं। साथियों किसने जीते? जापान ने जीते हैं। दूसरे नंबर पर कह सकते हैं चीन आएगा, अपना प्यारा भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारत ने 19 मेडल जीते हैं, जबकि इसमें 6 गोल्ड हैं साथियों, 19 मेडल 6 गोल्ड है टोटल। और दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो अभय के जो हैं इन्होंने नालंदा नामक पुस्तक लिखी है। नालंदा को कह सकते हैं कि संस्थापक 450 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विद्यालय को बसाया था, जबकि कह सकते हैं कि 1198 के समथिंग बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अगला पॉइंट है कि द पावर ऑफ द वन थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है, द पावर ऑफ द वन थॉट पुस्तक VK सिवानी की है। किसके? VK सिवानी। अगला क्वेश्चन साथियों, अभी हमने डिस्कस किया था सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। इस पुरस्कार का नाम है गोल्डन ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। और कह सकते हैं पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी हो जाएगी, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लावारिस जमा राशि को वापस लाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसने शुरू किया है, तो ये 100 दिन 100 भुगतान अभियान RBI की द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखना है। RBI के जो पहले अध्यक्ष हैं कह सकते हैं कि सर ओसमान स्मिथ थे, जबकि RBI के वर्तमान पहले भारतीय प्रमुख जो पूछे आए अध्यक्ष या गवर्नर कहें तो कैसे CD देशमुख थे। और कैसे जबकि ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास 25वें हैं। कौन सा शहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत की शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, तो UAE का जो दुबई शहर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभर कर आया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 हॉकी जूनियर कप का खिताब किसने जीता, हॉकी एशिया जूनियर कप आयोजन ओमान में भी हमने बताया था, विजेता भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक की बात करूं कह सकते हैं रिंग साइड पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। रिंग साइड किसने? शशि थरूर ने। भारत यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी सम्मेलन कहां पर हुआ है, भारत यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी सम्मेलन मेघालय में किया, कहां पर हुआ? मेघालय में हुआ। कौन सा राज्य 14वीं स्वच्छ ऊर्जा में कह सकते हैं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा, मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी ये गोवा करेगा, याद रखना साथियों। ये भी याद है कि महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर कौन बने हैं, तो स्माइल एम्बेसडर महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर को 2014 में सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था साथियों, इन्हें कह सकते हैं कि अच्छा। अगला क्वेश्चन, 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पामेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल नामक पुस्तक जो फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे पामेडी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है, तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है वो असम गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है साथियों, ये भी याद रखना है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ इतनी ही क्लास थी हमारी। जय हिंद जय भारत। साथियों आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और हमारी जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है मंथली आपके सामने आती रहेगी। जय हिंद जय भारत।